हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून तक थी, जो कि निकल चुकी है। तब अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इस पेज पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पैन नंबर आपको टाइप कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कंटिन्यू टू पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पैन नंबर टाइप कर देना है, फिर कंफर्म पैन वाला ऑप्शन पे फिर वही पैन नंबर आपको टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको 1000 का पेमेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ इनकम टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदर रिसीव्ड 500, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1000, आपको 1000 पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई बैंक नहीं है तो आपको पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कोई सा भी बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ पे नाउ, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं UPI से पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी है, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, जिससे पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं फोन पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे UPI नंबर अपनी टाइप कर देनी है, उसके बाद वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से आपको अपने फोन से पेमेंट कर लेना है। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे चालान जो है पेमेंट हो चुका है, आप इसको रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से आपको होम वाले पेज पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ लिंक आधार वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पैन नंबर टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देना है, फिर आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाई, आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नाम टाइप कर देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देनी है। यदि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बस ईयर लिखा हुआ है तो आपको इस वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। चलिए मैं ओटीपी को टाइप कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से 48 घंटे के अंदर लिंक हो जाएगा। चेक करने के लिए आपको फिर से इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, इसमें आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे पैन नंबर आपको टाइप कर देना है अपनी। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो आपको इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आप घर बैठे ही अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।